हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरपंचों को बड़ी सौगात दी। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सभी सरपंचों को मान सम्मान और ग्राम पंचायत की लिमिट बढ़ाने का काम किया, जिसे लेकर आप प्रदेश के सरपंचों में खुशी की लहर है। इसी को लेकर आज प्रथला विधानसभा क्षेत्र के सभी सरपंच विधायक नैनपाल रावत से मिलने पहुंचे, जहां पर सभी सरपंचों ने विधायक नैनपाल रावत का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने जो मान सम्मान उन्हें दिया, उसके लिए वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके क्षेत्र के विधायक नैनपाल रावत का धन्यवाद करते हैं। सरपंच साहब, एक बड़ी सौगात मिली है, कई सौगात जो है वो नायब सिंह सैनी की तरफ से दी गई है सरपंचों को। अब तक जो नहीं मिल रहा था वो अब कहीं ना कहीं मिलने वाला है, तो किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो हम अपने विधायक नैनपाल रावत जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और साथ ही मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे विधायक नैनपाल रावत जी हमेशा शुरू से ही 1.5 साल से सरपंचों की आवाज बने रहे, वो सदन में हर एक पटल पर बार बार सरपंचों की आवाज उठाते रहे। उनकी आवाज को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना। सभी प्रदेश के सरपंचों को जो ये सौगात दी है, 21 लाख रुपए की जो छूट दी है, मान सम्मान जो सरपंचों को दिया, उसके लिए हम बार बार उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं। डीसी के बराबर कुर्सी लगेगी अब? देखिए, प्रोग्रामों में एक प्रोटोकॉल बनाया है, वो बहुत बड़ी सम्मानजनक बात है कि SPDC साहब के साथ अगर सरपंच को बैठेगा तो वो अपने गाँव की विकास की कुछ बहुत सारी चीजें या समस्याएं वहाँ उनसे कह भी सकता है और सुन सकता है, वो अधिकारी भी इस बात को सुनेंगे, तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, एक बड़ी सौगात मिली है, काफी समय बाद जो चोर का टैग था वो कहीं ना कहीं हटा है और अब एक मान सम्मान देने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं विधायक नैनपाल रावत जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने सबसे पहले हमारी समस्या समझी हम लोगों की और सबसे पहले विधानसभा में हमारे लिए आवाज उठाई। आज जो उन्होंने आवाज उठाई थी वो जो आवाज उठाने की मुहिम आज उनकी पूरी हो चुकी है। हमारी 20 लाख की जगह आज 21 लाख की लिमिट हो चुकी है। उसके लिए मैं श्री जो हमारे हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, जो बहुत ही सरल स्वभाव और मृदु स्वभाव के हैं, मैं उनका बहुत ही अपने दिल से और अपनी पंचायत की तरफ से उनका जो ना हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अब ये जो हमारी लिमिट खुली 21 लाख रुपए जो उन्होंने की है, जो हमें तोहफा दिया है, ये विकास कार्यों में मील का पत्थर साबित होगी। अब तक हमारे हाथ बंधे हुए थे SOP के नाम पे, लिमिट के नाम पे, 50% के नाम पे, शायद अब ऐसा कुछ रहा नहीं है, ना ही कोई SOP है, शायद ना ही कोई लिमिट है 50% की, शायद वो भी नहीं रही होगी। तो अब हम अपनी निर्वाध तरीके से जो हम लोगों ने जो हमें चुना था गाँव में और जिस हिसाब से भेजा था कि ये हमारे लिए काम करेंगे, अब हम उनके लिए काम पर करेंगे और जो इससे हमारी सरकार को भी फायदा होगा और जो हमारे विधायक है उनको भी फायदा होगा और अब जो है ना गाँव में विकास के पंख लग जाएंगे। सरपंच साहब, एक नायाब तोहफा नायब सिंह सैनी की तरफ से मिला है, लिमिट खोल दी गई है, क्या कहेंगे, किस तरीके से विधायक का धन्यवाद करने पहुंचे? सबसे पहले मैं अपनी शेरे पिथला श्री नैनपाल रावत जी का, हमारे जो विधायक हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने शुरू से लेकर अब तक एक ऐसे विधायक है जिन्होंने सरपंचों की मांग को सदन में उठाया है और दूसरी बात, सरकार को निस्वार्थ भाव से अपना समर्थन देकर अपनी मांग को पूरा करवाया है सरपंचों के लिए। तो मैं सांसद विधायक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और पंचायत मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सरपंचों को जो 21 लाख रुपए की जो ग्रांट काम करने के लिए जो पावर दी है, वो सरपंचों के लिए मान सम्मान देने की बात है और इससे गाँव में जो विकास की रफ्तार वो तेज हो जाएगी। थैंक यू।